से आप सब लोग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और अभी हम रेडी हो रहे हैं ऋषिकेश जाने के लिए। कल हमारा तुंगना का ट्रैक और चंद्रशिला का ट्रैक आपने देखा होगा, वो बहुत ही बढ़िया किया हम लोगों ने, बहुत ही एंजॉय किया। पहले ऐसा लगा था कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जज्बा सब कुछ करके वो हो गया। लेकिन स्पेशली थैंक्स टू मेरे राजन के सभी जो फ्रेंड्स हैं वो, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया हुआ है। स्पेशली प्रणय, वो ऐसे दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना दीदी आप टेंशन मत लो, तो वो लास्ट तक मेरे साथ ही साथ चल रहा था। मैं अभी उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। और ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया माही है ये, तो यही सब बच्चे हैं। लास्ट में शायद ऋषिकेश में हम लोग इकट्ठा हो गए ना, तो मैं आपको सभी को नाम और सभी से मिलवाऊंगी भी। फिलहाल तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, क्योंकि कल हम इतना थके थे ना कि खाना ढंग से खाया नहीं था। तभी करते ब्रेकफास्ट में है आलू परोठे, जो लखन के और बैन के फेवरेट है, और साथ में दही भी है। तो आ जाइए आप सब लोग नाश्ता करने के लिए। गाइस, मेरे एक खुफिया एजेंट से पता चला है कि दही नहीं, अचार है, और साथ में सेवैया है जो दूध में बनाते हैं ना वो। और फिलहाल नाश्ते के बाद क्या पी रहे हैं? कोका कोला, ये इनका नाश्ता है, इसलिए शायद इसको ना खिलाने की जरूरत है। इसको कुछ खिलाओ भाई, पकड़ पकड़ के खिलाओ। तो अभी हम निकले हैं यहाँ की पहाड़ी जूस को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ का वो फेमस है। परसों हमने ये देवरिया ताल क्लाइंब किया था और यहाँ सामने एक शॉप है, तो जाते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ का जो फेमस जूस है वो शायद इधर से मिल जाएगा। तो भी ये ना यहाँ का फेमस जूस है, तो हमने सोचा कि हम लेके चलते हैं यहाँ की कुछ, तो उत्तराखंड की यादें ना ऐसे इकट्ठा करते हैं। तो एक मैंने लिया हुआ है और ये एक हमारे भाई ने लिया हुआ है। यहाँ पे दूसरी गाड़ी रेडी हो चुकी है और हमारी गाड़ी भी इधर रेडी हो चुकी है। और ये देखिए सब लोग बैठ रहे हैं और अभी हम निकल जाएंगे ऋषिकेश की ओर। हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, सोमे सब लोग आ रहे हो? नहीं, हम बच्चे का टिकट नहीं लेते, हम उसको फ्री में बिठाएंगे, डोंट वरी। आपके 100 लगेगा, हम अलग से सीट देंगे, ठीक है? चलिए टिकट निकालिए, सब लोग टिकट निकालिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हमने खाने में मंगवाया हुआ है ये वेजिटेबल सैंडविच, और यहाँ पे देखिए केचप का तालाब, और हम लोग खा रहे हैं केचप सैंडविच। और इनके भी आ जाएंगे अभी, ये लोग वेट करेंगे। और अभी हम खाने बैठे हैं खाना। अब ये बिरयानी आ गई है और अब वाह वाह वाह। अभी हम आ गए हैं ऋषिकेश में बीच में, यहाँ पे हम करने वाले हैं रिवर राफ्टिंग, तो सब कुछ तैयारी हो रही है। और यहाँ पे ये बलून टाइप का जो कुछ भी है उसमें हवा भरी जा रही है, और ये जो सेफ्टी लगेज है वो भी ये भाई दे रहे हैं, तो सब लोग पहन रहे हैं। बाकी के नाम वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, और बाकी लड़कियाँ भी आ चुकी है, तो उसका भी नाम हम लिख रहे हैं। और हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक चुकी है, अभी हम जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। सो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं राफ्टिंग के लिए, और बाकी के लोग जो बचे हुए हैं वो अभी फॉर्म पे साइन कर रहे हैं, और हम सब रेडी हो चुके हैं। हम झिंगा लाला नहीं करने जा रहे, हम रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। इस रास्ते से हमको नंगे पाँव ही जाना है, और हमारा रिवर राफ्टिंग उस तरफ है।
क्या सुहाना मौसम है। तो ये देखिए कितना मस्त पानी जा रहा है और अभी सनसेट भी होगा और यहाँ पे पानी देखिए कितना मस्त है। और हमारा है वो वेव प्ले एडवेंचर है, हम उसमें जाने वाले हैं और पानी भी काफी साफ दिख रहा है, देखिए कितना क्लीन वाटर है। नहीं किसी ने नहीं किया। अच्छा आपने कर रखी है, बाकी का फर्स्ट टाइम? यस। आप लोगों ने राफ्टिंग कर रखी है? अच्छा स्विमिंग आती है? नहीं आती है। फर्स्ट टाइम लोग ज्यादा हैं, मेरे फर्स्ट टाइम है आज। ओके सबसे पहले मैं आप लोगों का वाटर राफ्टिंग स्वागत है। मेरा नाम है संजू, मैं इस बोट में गाइड कर रहा हूँ। दूसरे बोट में जाएगा बिकी, ठीक है, और आपके बोट में जाएगा बाकी, ठीक है। तीन बोट जाएंगे, वो बोट आपका ग्रुप अलग है, ठीक है। ओके स्टार्टिंग पॉइंट की जगह नाम बोलते हैं हम लोग मैरिन ड्राइव, जहाँ पे हम लोग एंड करेंगे उस जगह नाम का शिवपुरी। ये 12 किलोमीटर का है, ठीक है। इसमें आपको रैपिड मिलेंगे, 7-8 रैपिड मिलेंगे। रैपिड पता है आपको? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, सबके पास पैडल है ना। इस पैडल के तीन पार्ट है, फर्स्ट टी ग्रीप, सेकेंड साफ कर ले, ठीक है। फोकस करना है तुमको, राउंड इस पे कोई मोटर बोर्ड नहीं लगा हुआ कि गाइड चलाएगा, आप लोग रोप पकड़ के अंदर बैठे रहेंगे। जितना आप लोग अच्छा पैडलिंग करेंगे उतना ज़्यादा मजा भी करेंगे, हम लोग सेफ भी निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बैठना कैसा, ये बोट का फ्रंट है वो बैक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। दो लोग आगे बैठेंगे, फ्रंट साइड में स्ट्रॉन्ग बंदे, ठीक है। तो फ्रंट साइड में स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे दो। इससे बैठना है आप लोगों को, साइड बैठना है, बिल्कुल साइड में बैठ के अपना पैर को लॉक कर लेना है। राइट वाला इसके अंदर आ जाएगा, ओके आगे आ जाएगा, लेफ्ट एड़ी पीछे लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लोगों ने रैपिड में पैर को लॉक नहीं किया तो आप बाहर कैसे कैसे बैठना है, ठीक है। आप पीछे बैठेंगे, लेफ्ट में तो लेफ्ट आगे और राइट पीछे, दोबारा बता देंगे, ठीक है। ऐसे लॉक करना है रैपिड टाइम पे, ठीक है। आपको कुछ कमांड मिलेंगे, तीन चार कमांड है। फर्स्ट कमांड है पैडलिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में सब लोगों को करना एक साथ, पूरा बॉडी को मूवमेंट करके आगे से पीछे, इस तरह से फॉरवर्ड, ठीक है। फिर फर्स्ट कमांड फॉरवर्ड, सेकंड कमांड स्टॉप, स्टॉप बोलेंगे, स्टॉप में पैडल को ऊपर, ठीक है। और कमांड है और बैक, बैक टू फ्रंट, बैक पैडल, ठीक है। एक फुट कमांड है एमरजेंसी में गेट डाउन, कभी लगता है हमारी बोट रॉक में जा रही है, बोट घूमने वाली है, पलट सकती है, ठीक है। तो एमरजेंसी कमांड मिलता है गेट डाउन, गेट डाउन में क्या करना, रोप को पकड़ना और अंदर, ठीक है, गेट डाउन, गेट बैक, ओके ओके। किसी को मेडिकल अस्थमा हार्ट पेशेंट पे सर्जरी नहीं है, मेडिकल सब फिट है। हमारी गंगा मैया की जय, जय, जय। सो आर यू रेडी गाइस? यस। तो हमारी एक सवारी रेडी हो चुकी है और दूसरी उसमें बैठने जा रही है और ये भाई हमारे साथ में आ रहे हैं। सो हमारी एक बोट वहाँ पे जा रही है और दूसरी बोट ऑलमोस्ट निकलने को आई है और यहाँ से ना ऐसे ऐसे मार मार के निकाल रहे हैं और गाइड ना इधर पीछे बैठे हुए हैं। तो हर हर महादेव। बॉडी मूवमेंट, तू पानी ना आके पास मारा गया, अला थोड़ी राइट साइड लो, लेफ्ट वाला छोड़ देते राइट।
माही के साथ। और माही के साथ मैं क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ क्योंकि हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है जिसको भी हम माही बुलाते हैं, लेकिन ये माही कुछ अलग माही है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अभी हमने क्रिकेट नहीं खेला है, अभी हमने रिवर क्राफ्टिंग किया हुआ है। और आइए माही जी, तो ये है हमारे माही जिसने रिवर क्राफ्टिंग नहीं किया था, उसने सिर्फ वीडियोस बनाए थे। मुझे ऐसा नहीं होना था, ऐसा जब हम वो रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तब हो रहा था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ठंडी बहुत है, थोड़ी थोड़ी नाक भी लाल हो चुकी है, लेकिन जो मजा आया है ना, और मैं बहुत ही खुश हूँ। और जो पानी आप लोग देख रहे हैं ना इधर, इसमें हमने काफी एंजॉय किया है, काफी काफी। और मैंने सबसे ज्यादा मिस किया है बैन को, अगर कृष्णा बैन मेरे साथ होती तो हम लोग और मजा मारते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में आएंगे। अभी हम यहाँ ऋषिकेश के बीच में हैं, अभी हम जाने वाले हैं हरिद्वार, और होप सो माँ गंगा की इच्छा होगी तो हम लोग उधर जाके आरती भी करेंगे। लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टूर था। अभी हम पहुंच गए हरिद्वार और हमारी गाड़ी से सारा सामान निकाल दिया है हमने, और अभी हम रुके हुए हैं एक धर्मशाला में। और ये धर्मशाला गुजरात के किसी ट्रस्ट के की ही है। इस धर्मशाला का नाम है श्री नकलंक धाम संत श्री सेवादास बापा आश्रम। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, काफी सुंदर आश्रम है। चलिए अंदर जाते हैं और पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे सारे लोग इधर खड़े हुए हैं और आगे मैडम जाएंगे, फिर अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अभी हम आ गए हैं नकलंक धाम हरिद्वार में, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये सारी चीजें लिखी हुई, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक टाइम फिक्स किया गया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही गेट बंद रहेगा और गेट खुला रहेगा। हम लोग फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हरिद्वार आश्रम में ठहरे हुए हैं, और ये हमारा कार्ड है, और ये मेरा ना इस ट्रिप में आकर ना स्पेशल भाई बन चुका है, क्योंकि इनकी वजह से ना मैं वो चंद्रशिला चढ़ी हूँ। तो हम लोगों को ना ये कार्ड दिया गया हुआ है सभी को, तो ये कार्ड संभाल के रखना है, अगर बाहर जाना है तो यही कार्ड लेके जाना है, और अंदर आना है तो यही कार्ड यस यही कार्ड हमको यूज करना है। अभी अंदर जाते हैं और खाते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद हमको कढ़ी चावल मिलने वाला है। और जो आप ये धर्मशाला देख रहे हो वो गुजराती धर्मशाला है, तो यस हमारा गुजराती जो टेस्ट है वो भी हम सबको इधर मिलेगा। तो यहाँ पे माता अन्नपूर्णा जी और शिव जी की फोटो भी लगी हुई है। हमारे सौराष्ट्र में ज्यादातर जय रामदेव पीर को माना जाता है, तो उसकी भी तस्वीर लगी हुई है, और जो यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे थे पहला, उन सभी को यहाँ पे फोटोज लगी हुई है। प्लेट हम सभी ने ले ली है, और आगे आगे सारा खाना है, हाथ से ही लेना है। तो आइए देखते हैं खाना क्या क्या है और लेते हैं। बूंदी है, फिर पराठा है, सब्जी है और दाल सॉरी और कढ़ी एंड खिचड़ी है। मेरी थाली रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे सफारा भी है, और यहाँ पे इन लोगों का किचन है पूरा, यहाँ से अंदर से खाना आता है,
और अभी हम जाएंगे छास लेने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से ना छास पी नहीं थी, तो आज पीते हैं छास। सुबह आ चुका है, कढ़ी है, बूंदी है, पराठा है, छास है, ये गाजर कैबेज और मर्चा का संभारा है, खिचड़ी है और सेव टमाटो की सब्जी है। तो देसी खाना कितने दिनों के बाद, आई थिंक 4 to 5 days के बाद हमको मिल रहा है, वो भी गुजराती खाना। तो आइए उसको फटाफट से फिनिश करते हैं। और ये छास हमने कई दिनों से नहीं पी थी, तो आज मैं ये पूरा ग्लास और उससे ज्यादा भी पी सकती हूँ। तो आ जाए भरी हुई प्लेट को खाली करने के लिए। अभी अभी काउंटर पे रोटला भी आ चुका है, क्योंकि शायद हम लोग जब ले रहे थे तभी ये फिनिश हो गया था, तो वापस से गर्मा गर्म ये बाजरे के आटे के रोटले भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये पूरा आश्रम है, मैं आपको कल दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ से एंटर होते हैं और बेड भी है, डबल बेड भी है, सिंगल बेड भी है, ऐसे भी कमरे हैं। और अभी ये लोग सो रहे हैं, पंखा के साथ साथ ऐसे भी यहाँ पे लगा हुआ है, टीवी भी है। और ये देखिए, ये ना कुछ बड़ा ही बाथरूम है, यहाँ पे आप खड़े होके कपड़े भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 आईने लगे हुए हैं, ये बाथरूम है नहाने के लिए, और ये वॉशरूम है, वो भी वेस्टर्न स्टाइल है, तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं हूँ, और ये दूसरी बार मैं हूँ। 5:15 थे आज, यहाँ मैं लोगों को निकाले छे, हूँ राजा नरेन अमन, हमारे काम हुआ थे, हम लोग को फ्लाइट में चाहिए छे, नमन भी रेडी छे, राजन भी रेडी छे, हमें भी बैसी चाहिए देहरादून थी फ्लाइट में। अभी हम निकलेंगे बड़ौदा अहमदाबाद की ओर, तो हमारी गाड़ी भी आ गई है, सारा सामान हम लोग पीछे रख रहे हैं, क्योंकि सामान हम तीनों की वो हैंड बैग के साथ बड़ी बैग भी है, तो वो जा रही है पीछे। ये हमारे ड्राइवर भैया है, और गाड़ी के साथ फाइनली बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून हवाई अड्डा, और ये रहे एयरपोर्ट देहरादून का। ऊपर बहुत ही प्यारे ड्राइंग्स लगे हुए हैं, वो ऊपर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए पूरा एयरपोर्ट, आपने दुबई का एयरपोर्ट देखा होगा, अभी तक हमारे चैनल में अहमदाबाद का एयरपोर्ट देखा होगा, और ये तीसरा एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट भी आप देख लीजिए। अभी जाते हैं अंदर, और मेरे साथ यहाँ पर मेरा लगेज है, ये मेरी बैग, राजन की बैग और नमन की बैग है। नमन और राजन कुछ अपने ही वो डिस्कशन में पड़े हुए हैं, तब ये लगेज लेके जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे ना अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं मणि पद्म हूँ। देखिए पूरा ना ऐसे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। मैं पूरा ऐसे घूम जाती हूँ ताकि आपको ना अच्छी तरीके से दिख पाए। देखिए यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है, एक पिलर है, दूसरा, वैसे तीसरा, करीबन 10 तक ऐसा सारा लिखा हुआ है। देखिए नई टर्मिनल भवन देहरादून हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है और किसकी उपस्थिति में किया है और कब किया है, ये पूरी डिटेल्स इधर लिखी हुई है। तो अभी हम बाहर थे और यहाँ से हम टिकट वगैरह दिखा के आ गए हैं अंदर, और अभी जा रहा है हमारा लगेज यहाँ पे चेकिंग पे। और देखिए कितनी मस्त पेंटिंग की गई हुई है, पूरा केदारनाथ से लेके महादेव जी का सब कुछ इधर पेंट किया गया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, और एयरपोर्ट भी काफ़ी साफ सुथरा है। ये फ्लाइट की सारी डिटेल्स है, और ये 8:30 बजे की है, और टाइम टू टाइम ही पर है ये फ्लाइट, और
क्योंकि अभी बज रहे 6:30 ही, तो अभी हम एयरपोर्ट को देखेंगे, घूमेंगे। हमको ऐसा लगा था कि शायद रश होगा, लेकिन इतना रश नहीं है, तो अभी एयरपोर्ट को ना एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी एयरपोर्ट पे हम ऐसे बैठे थे ना, तो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। देखिए बहुत सारी बड़े बड़े चीज़ें भी इधर है, नेकलेस भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी बहुत ना अलग अलग तरह की आइटम है, मूर्तियाँ हैं, और बहुत ही कुछ यूनिक भी हैं। लेकिन सिर्फ दिक्कत यही है कि ये सारी चीज़ें की ना प्राइस है ना, वो थोड़ी ओवर प्राइस है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 2 मुखी रुद्राक्ष है, 4 मुखी रुद्राक्ष है, और 7 मुखी रुद्राक्ष है। उस हिसाब से उसकी प्राइस भी यहाँ पे लगी हुई है, और वो किस किस चीज़ में हेल्पफुल रहते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई है। अगर किसी को लेना है वो जैसे रुद्राक्ष भी ले सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फैंसी आइटम हो गई है, तो फिर गले का हो गया, वो सारी चीज़ें भी है, और बैग्स भी बहुत सारे हैं, और अंदर भी ऐसी शोपीस की चीज़ें बहुत सारी हैं। और यहाँ पे देखिए बैंगल्स, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किचन्स लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे भगवद गीता के साथ साथ दूसरी भी बुक्स लगी हुई है। और ये देखिए पूरा फ़ोटो फ्रेम से भरा हुआ है, तो बहुत ही यूनिक फ़ोटो फ्रेम्स हैं। परफ्यूम्स भी हैं, और दूसरी चीज़ें भी हैं, और ये छोटे वाले परफ्यूम्स भी हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार देख रहे हो, और बड़े बड़े विंग चैन भी हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। बस दिक्कत यही है कि जो प्राइस होती है वो थोड़ा ओवररेटेड प्राइस होता है। हाय, हम फाइनली आ गए अहमदाबाद में। वेलकम टू अहमदाबाद राजन, वेलकम टू अहमदाबाद। तभी हम जा रहे हैं नीचे, और हमारा लगेज भी हमारे साथ आ गया है, और मेरे साथ दो दो भाई है, इसलिए मुझे कुछ भी उठाना नहीं पड़ रहा है। हमारी ओला आने वाली है, इसलिए हम इस तरफ जाएंगे, और बाकी के सब चीज़ें उस तरफ हैं। और यहाँ पे ना लिखा हुआ है हाउ टू बुक ओला, अगर किसी को पता नहीं है ओला और उबर कैसे बुक करते हैं, तो यहाँ पे उसका स्पेशली बूथ भी लगा हुआ है, और शॉपिंग की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, स्वीट्स भी इधर मिलते हैं। ये भाई सारे स्वीट्स लेके खड़े हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो इस तरफ सारे शॉपिंग के स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ से सीधे जाएंगे तो बाहर। और इधर देखिए हमारे सामने एक स्टॉल है फूड का, तो आप क्रॉसॉन, सैंडविच, मफिन्स वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हो। और अभी भी आप लोग रंगीलू अहमदाबाद, सीधे सीधे आप जाएंगे तो ऊपर पार्किंग का आएगा, और इस तरफ है एयरपोर्ट शटल, और सिटी बस भी आपको डायरेक्टली सीधे ही मिल जाएगी। अभी करीबन बज रहे हैं 10:30-11 के बीच में, और हम फाइनली देहरादून से एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, और ये सारी भीड़ अभी यहाँ पर इकट्ठा हुई है। वहाँ पे बस भी खड़ी हुई है, और हमारा ओला अभी कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, क्योंकि हम लोग ना 5 बजे उस आश्रम से निकल चुके थे डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए, करीबन 6:30 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और सुबह इतना भूख नहीं था तो इतना खाया भी नहीं था,
तो अभी जैसे एयरपोर्ट से बाहर अहमदाबाद में आए तो हमारी भूख ऐसे खुल गई, तो अभी हमको लग गई है भूख और अभी हम आ गई है कृष्णा एटरी पर, वहाँ से करते हैं कुछ ऑर्डर। यहाँ पे हमारी वेज ग्रिल सैंडविच आ गई है और साथ में ये कौन सा है, मोहितो, ये मिंट मोहितो है और नमन की भी सेम टू सेम सैंडविच है और इसके साथ मिंट मोहितो है। और मेरा ना अभी ऑलमोस्ट बनने को आया है, जैसे वो आ जाएगा मैं भी चट कर जाऊंगी। साथ में हमारी ये फ्रेंच फ्राइज भी आ चुकी है, तो हमारा पूरा मील है वो खत्म हो चुका है, फ्रेंच फ्राइज विथ सैंडविच एंड मोहितो, तो खा लेते हैं। तो ये मेरी भी प्लेट आ गई है, तो मस्त ही खाना खा के हम लोग गाड़ी में वापस बैठ चुके थे। जैसे मैं गाड़ी में बैठ गई ना, ऐसे राजन को भी नींद आ गई, नमन भाई को भी नींद आ गई और मैं जग रही थी। और ये जो ब्यूटीफुल सा व्यू देख रहे थे ना, वो देखते देखते मैं सोच रही थी कि कितनी मस्त मेरी जर्नी गई है, मैंने बहुत सारा इन्जॉय किया है और जितना भी सामान लेके गए थे वो पूरा सामान हमने पीछे इधर रख दिया था, तो सारा सामान भी आ गया था। तो ऐसी मेरी जर्नी मस्त गई और आप लोगों ने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।